हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अभी हम आ गए हमारे न्यू घर पे, होम टूर बहुत जल्दी देंगे। और अभी बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, ये देखो पूरा सामान फैला हुआ है। इस वाले रूम में भी पूरा फैला हुआ है। ये रूम मम्मी ने ये रैक लगा दी, इसमें सामान लगा दी, मैं इसमें पोछा लगा रही हूँ। धीरे धीरे सब हो जाएगा। आरोही आप क्या कर रही हो? आरोही ए आरोही वो नहीं सुनेगी बिल्कुल। और हमारा ऊपर वाला भी फ्लोर है, उसमें फर्नीचर भी है। यहाँ पे सिंपल खाली है, तो इसमें पहले हम अपना सेपरेट सामान लगा देते हैं। पोछा मेरे को मिला नहीं, कपड़ा मिला है, इसलिए मिला इसी से लगा रही हूँ। तो काम चलाऊ चीज होगी, उसके बाद तो धीरे धीरे सारी चीजें निकल जाएंगी। मिला ही और थोड़ा मैंने कोई सो रहा, सिंगल ही बना, सिंगल ही बना। हम पंखा ही ना पहले तो अड़ना। आरोही आरोही ये भी काम चल रहा है, गंदा हो जाएगा, सिंगल ही बना दो ना। हटो 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 हटो, चुन्ना निकलो इधर। कैसी कूद रही है? कूद रही है। आ जाओ अपनी कुर्सी लेके आ जाओ। क्या कर रही हो आप? ऐसे अरे तो काफ़ी लोग के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है इसे बार बार चेंज करने में। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आर्य की स्टडी को लेके, और बहुत सारे हैं, सबके जवाब दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर देना। बट मैं ये चाहती हूँ कि अभी देखो आरू की स्टडी की ना शुरुआत है, अभी उसने पढ़ना शुरू किया, अभी फर्स्ट ईयर है। ये इधर उधर हो रहा है, परेशानियाँ देखो किसी को पता नहीं होती कि कब आ जाएँ अपनी लाइफ में, आ रही हैं, फेस कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि ये परेशानियाँ उसकी लाइफ में हमेशा के लिए बनी रहें, इसी वजह से ये सारा स्ट्रगल मैं कर रही हूँ। और ये बेड ये पूरा पोर्शन मतलब दो रूम है ऊपर के, इसमें फर्नीचर मिला है हमें। तो इसमें हम बच्चों के कपड़े सेट कर रहे हैं, इसमें मेरे कर रहे हैं, और साइड वाले में मम्मी है भैया कर पाएंगे। ये आरोही की टी शर्ट, ये आरोही की फ्रॉक है, और वैसे मिल ही नहीं पा रहे कि इनके कपड़े ही नहीं है, फिर पहनने का टाइम आ रहा है तो मिल नहीं पा रहा है। छोटे के शॉर्ट्स हो जाएंगे, ये सारे आरोही के शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अभी क्या है, आपको पूरा सामान फैला पड़ा है, बहुत ज़्यादा सेट कर दिया हमने, बट अभी हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ पे। चलो आ जाओ, आरो बच गई पता करने से, मेरा बच्चा चले। तो अभी हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ खाना खाने के लिए, चलो, क्योंकि यहाँ पे क्या भी किचन वगैरह सेट नहीं हुई है। आरू को देखो, आरू आरू मम्मा बुला रहे हैं।
किस चीज के? मासी के घर जा रहे हैं, बड़ी मासी के घर। सबको भूख लगी है, मम्मी के लिए यही लाएंगे। हाँ नाना भी आया ना, नाना नानी भी आए हैं। चलो मम्मा चल रही है, नाना आए, बूढ़े वाले नाना। चलो बड़ी मासी के घर। अरे वो कृष्णा भैया है ना, उनके घर पे अभी हम चलते हैं खाना खाने के लिए। घर पे हैं वो, आ जाओ खाना खाएंगे अपन। तो क्या बनना है कल आपको? राधा, राधा रानी बना देना। यहाँ पे मावर रखा है मुझे, इसको ये भी पता है। ये कौन नहीं रखा है? ये आपके लिए तो रखा है। ये कौन नहीं रखा है? हमने रखा है ये। मम्मी मावर देख के कह रही कल मेरे को राधा रानी बना देना। अच्छा, ये जानती है बहुत जोर से। चलो मुझे चॉकलेट भी मंगाई। किसने? अभी हम आ गए हैं दीदी के यहाँ पे। ये नाना का फोन है, ये मेरे नाना का फोन है। चलो कौन सा फोन ले लिया? नाना का फोन कौन चला रहा था? देख कब उतर उड़ रहा है वो, है जियो वाले 4G। हर्षित जी कौन है? जी मेरा भैया है, मैं इसको मारूं? कितना प्यार। चलो ओ ओ मेरी कब्बू कब्बू, मेरी मेरी कब्बू। चलो 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 भाई। नानी कैसी है, परेशान नहीं होंगी? नाना कहाँ है? नाना नमस्ते। नमस्ते, कौन है? मैं हूँ सपना। आप ऐसी छोड़ दी हमको? हम ऐसी क्यों है तुम? पापा अब्बा साफ करके तुम्हारे लिए आ रहे हैं और खाट लांगे फिर। रोटी खा लो पहले नाना, दीदी खानी। तो ये चीटी नाने करी है दारे हमें कभी जो भाई तो खांगे थे दाल तो हुए ही दो सीटी अभी नाने करी गाइस नानी आ गई थी शाम को घर पे और अभी ये वाला रूम सेट कर रहे हैं। दो रूम है ऊपर, यहाँ किचन में लग रहा है। मैं जा रही हूँ नाना के लिए पोहा बनाने के लिए। हम खाएंगे पोहा, तो जो हम यूज में लेते हैं वो नीचे वाली किचन है, ऊपर वाली नहीं लेते हैं। और चाय बनाएंगे प्लस पोहा बनाएंगे। नाना नीचे चलो, नीचे चलो, आराम से चलना। आयरू क्या हो गया? नहीं आ जाओ, चलो बाल काटू आपके। आरू को नन्नू करा दी मैंने, आ जाओ चलो नीचे आ रही हूँ मैं ना। मैं घुमा के लेके आऊंगी आरू को। तो आरू की गाड़ी है, आरू की गाड़ी। आरू अंदर आओ। लाइट नहीं सुन रही है। नीचे वाली किचन है क्या बेटा? चाबी। इसकी चाबी रखो, देखती हूँ मैं पहले लाइट जला दूँ। और ये नीचे हमारे कमरे हैं, ये हमारा रूम है, ये आरू का रूम। अभी सारा सामान अपन रख रहे हैं। क्या बेटू? वॉशरूम। वॉशरूम यस। और पॉटी पॉट। ओके और मैम देखो होम टूर ये करवाएंगी। ये हाँ ये ड्रॉर है, खिलौने हैं आरू के। चलो बंद कर दो मैम। चलो और हाथी। ये हाथी है आरू का। डोरेमोन। ये डोरेमोन है आरू का। आरू आपकी किचन कहाँ है? चलो किचन दिखाओ। किचन वो रही सामने। वो खिलौने वाली टूट गई। अच्छा अच्छा आ जाओ।
रहे थे मैं पोहा बना रही थी, पर अभी बना रही हूँ मैं बेसन के पकौड़े, क्योंकि नानी को बेसन के पकौड़े ज़्यादा पसंद है। अभी मैंने पूछा तो मुझे बेसन के पकौड़े बनाए। तो गाइज ये मैंने बच्चों के लिए बना दिए, पहले सिंपल पकौड़े, थोड़ी सी मैंने थोड़े थोड़े मतलब बस। थैंक यू मम्मा। वेलकम मेरा बच्चा। एक प्याज वाली बनाऊंगी और ये सादा बना रहे हैं बिल्कुल, इसमें सिर्फ नमक मिर्ची सारी चीजें हैं। छोटे छोटे राम लड्डू बन गए, क्योंकि राम लड्डू बोले जाता कहीं कहीं पर, बहुत ही अच्छे बने। ये बच्चों के लिए बनाए सिर्फ मैंने। बना रही हूँ वेजीज वाले पकौड़े, इसमें मैंने आलू प्याज और क्या बोलते हैं पालक वालक धनिया वनिया सब डाला है। ऊपर क्या काम चल रहा है सिफ्टिंग का, तो मैं नाश्ता बना रही थी सब लोग के लिए, फिर मैंने राजमा गला दिए उधर रखे हैं। शाम को राजमा चावल और रोटी बना दूंगी। भी बन गए हमारे वेजीज वाले पकौड़े, बहुत ही अच्छे और क्रंची बने हैं। कैसे बने? बढ़िया बढ़िया। नमक मिर्ची कैसे? नमक मिर्ची नमक थोड़ा और, नमक को थोड़ा कम डाल लिया और मैंने डाल लिया अभी और हाँ अभी डाल लिया है थोड़ा सा और ला। पानी ये रहा आरू, कैसे कर रहा था अभी मम्मी को करके दिखा दो एक बार मम्मी को। और ऐसे कर रहा था, कहाँ पे था मंकी? मां कैसे कर रहा था? अभी बाहर है ना मंकी, बाहर अभी बाहर मत जाना है, बाहर जाना नहीं। हाँ मम्मी को बताओ एक बार। हाँ हुआ है, इतने हुए हैं वहाँ पे, इतने हुए हैं, कितने कितने बता दो। हाँ दिखाने चलेगी अभी करती रहेगी अभी। मुझे बता दो कैसे कर रहा था, इधर बताओ कैसे। अभी इसने करा ली हेयर कट, अच्छे लग रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।